हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आपका स्वागत है एक और ग्रैनी थ्री के एपिसोड में। और ये हमारी ग्रैनी सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा जिसमें हम डोर एस्केप करेंगे। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ट्रेन एस्केप करा था और उसमें बुढ़िया ने मेरे बहुत बहुत गंदे वाले बजाए थे। समय भूत बना दिया था उस बुढ़िया और बुढ़े ने, दोनों ने मार मार के मेरा। इस वाले वीडियो में हम डोर एस्केप करेंगे। और इस वीडियो में एक खास खास बात है, मैं एक बार भी नहीं मारा, लिटरली एक बार भी नहीं मारा मैं इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से। और ये वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है तो थोड़ा सह लेना भाई, मेरा फ़ोन इतनी हैवी फाइल्स नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने इस फास्ट फॉरवर्ड करके काफ़ी चीज़ें कट करके एडिट कर रहा हूँ। और अभी तुमने देखा यहाँ पे मैं बुड्ढे से बार बार बचा था, बार बार भाई हल्का सी उस बुड्ढे, अच्छा उस बुड्ढे को सुनाई नहीं देता, बहरा है वो बुड्ढा कहीं का। अब इस गेम में एक ये कैरेक्टर है सिलेंड्रीना, ना तो ये बहरी है ना ये लंगड़ी है, और ये बार 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 तंग करती है मुझे। पिछली बार भी मैं इसकी वजह से बहुत बार मरा था और इस बार भी मैं मरते मरते बच जाता हूँ। मतलब मेरा फ़ोन की सेंसिटिविटी तो तुम सबको पता ही है, बहुत टट्टी है भाई। इतनी टट्टी सेंसिटिविटी मैंने आज तक किसी फ़ोन की नहीं देखी लिटरली। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, बुढ़िया मेरी टाट के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये देखो इसी बुढ़िया को, मतलब मुझे जैसे ही वेपन की मिलेगी इस बार तो इन बुढ़े बुढ़िया को मैं बहुत तंग करूँगा। और ये देखो ये सिलेंडर, ये पावड़ी पूंछ से मैं कितना बचूँ भाई, इसने मेरा जीना आराम कर रखा है इस सिलेंडरीना ने। हर गेम में, मतलब जब भी मैंने ये गेम चालू करता हूँ, सबसे पहली बार इसकी शक्ल देखती है। और इतनी मनहूस शक्ल है इस बुढ़िया की पोती की। अभी देखो, अब पहले मैं यहाँ पे इस पुट्टे की शॉर्ट गन उठा के ऐसे ही सुलाऊंगा, फिर इसकी पत्नी को भी। ये देखा स्वैग, देखो इन दोनों ने मुझे बहुत तंग करा था और इस बार अब मेरे बहुत शॉर्ट मिस होंगे। देखो कितना बड़ा रसन हूँ मैं, अच्छी खासी शॉर्ट गन होने के बावजूद भी मैं एक शॉट नहीं लग पाया। पूरे दिन पबजी खेलते रहता हूँ फिर भी मेरा एम नहीं सुधार। देखो ये देखो एक और बार भाई, मुझसे बड़ा लसन कोई नहीं है इस दुनिया में। और यहाँ पे इस बुढ़िया को मरने के बाद भी शांति नहीं है। मरने के बाद साली ऐसे फैल जाती है कि कहीं पे भी पड़ जाती है, कहीं पे भी। और भाई निकलने का भी रास्ता नहीं दिया था। और फटाफट से मैंने यहाँ पे माचिस लगा के इस बुढ़िया के काम डाले। और उसी टाइम पे सिलेंड्रीना भी टट्टी गई, साली को मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको ये नहीं पता इसके बुढ़े बुढ़िया दादा दादी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं आया तो मुझे कुछ ऐसा खास मिला नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद मेरी ये फट रही थी कि बुढ़े या बुढ़िया दोनों रिस्पॉन ना हो गए हो। और ये देखो जो मैं कह रहा था, मैं बार बार मरते मरते बच गया। अगर मैं एक सेकंड भी और लेट हो जाता ना तो पक्का मरता यहाँ पे मैं। और यहाँ पे कूदने का मुझे वुडन प्लैंक भी मिल गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ पहले इस बुढ़े बुढ़िया को वापस सुलाऊँ, और जैसे ही बुढ़े बुढ़िया वापस आए इन दोनों के वापस काम डाल दूँ और फिर उस फट्टे को लगा के ऊपर जाऊँ। अभी बुढ़िया बुढ़िया गई, अब बुढ़ा भी आ ही रहा होगा फटाफट। ये आया बुढ़ा, अब बुढ़ा भी गया। अब यहाँ पे इन दोनों बुढ़े बुढ़िया का काम डालने के बाद ये सिलेंडरीना मुझे बार बार तंग करने आ जाती है। और अब मैं यहाँ पे शॉटगन को रीफिल करता हूँ और सबसे पहली फुर्सत में भगते हुए नीचे जाता हूँ और उस कांच को तोड़ता हूँ। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मेरे भाई ने बताया कि ये कांच सिर्फ शॉटगन से टूटेगा, स्लिंग शॉट से नहीं टूटेगा। साला आज तक समझ नहीं आया, इस बुढ़िया के घर में सारी चीज़ें अनोखी होती हैं एक से बढ़कर एक। कांच भी बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ तो नहीं है पर पत्थर से नहीं टूट सकता कांच। बड़ी अमीर है बुढ़िया, हर चीज़ में पैसा लगाएगी, इतना पैसा इधर उधर लगाती है, इससे बढ़िया तो स्टॉक मार्केट में लगाती है, आज करोड़पति होती, इधर उधर लोगों की किडनियाँ ना बेच रही होती। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फट्टा लगा देता हूँ और इस फट्टे को लगाने के बाद मुझे डोर एस्केप की सबसे मेन चीज़ मिलती है जिसका नाम है ब्रिज गैंग। और दो चीज़ें मिलने के बाद, एक तो मेरे पास फ्यूज़ है, दूसरा मेरे पास ब्रिज गैंग है, तो मैं थोड़ी राहत की सांस लेता हूँ। पर अभी भी एक मेन चीज़ बहुत मिसिंग होती है, वो है जनरेटर केबल। और वो जनरेटर केबल मुझे इस गेम प्ले में बहुत सताएगी कि उस जनरेटर केबल को ढूंढने के लिए मैंने दुनिया भर का दिमाग लगा दिया। इतना दिमाग तो साला मैंने अपनी पढ़ाई में भी नहीं लगाया होगा कुछ भी। अब यहाँ पे इस बुढ़िया के इस
तबेले को खोलने के बाद मुझे यहाँ पे सेलेंटिना का टैडी मिलता है, पर मुझे पता था कि अगर बुड्ढे या बुढ़िया दोनों में से कोई रिस्पॉन हो गया जैसे ही मैंने टैडी उठाया, तो मेरे भाई लग जाएंगे और बहुत बुरे वाले लगेंगे, कि उन दोनों की स्पीड भी डबल होती है और दूसरा बहुत, एक तो हमारी लोकेशन ऑटोमेटिकली पता हो चल जाती है। अब पहले मैं यहाँ पे इस बुढ़ी और बुढ़िया दोनों के काम डालूंगा, मुझे यहाँ पे बुढ़ा दिख चुका था और बुढ़िया भी, पर मैंने बुढ़े को पहले नहीं मारा, पहले बुढ़िया को मारा, क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं उस बुढ़े को मारने जाऊँ और मेरे सामने एकदम से वो आ जाए तो भैया मेरे तो लग गए बहुत बुरे वाले। अब इस गेम में मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सिलेंड्रीना का टैडी लेने के बाद उन दोनों बुढ़े बुढ़िया में पता नहीं कौन सी शक्तिमान की शक्तियाँ आ जाती हैं, सालों को मेरी लोकेशन ऑटोमेटिकली पता होती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे इस बेवकूफ़ सिलेंड्रीना ने मुझे घंटा काम के नहीं, कोई चीज़ नहीं दी, साली हमेशा नुकसान करवा के जाती है मेरा। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को, शॉटगन को यहाँ पे छुपा के क्रूवार लेके सबसे ऊपर वाले कमरे में जाता हूँ, और यहाँ पे सबसे नीचे शॉटगन छोड़ना मेरी शायद से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे मरते मरते बच जाता हूँ कई बार। अब यहाँ पे मुझे सिक्का मिलने के बाद मुझे 101% पता चल जाता है कि उस नारियल में सेफ किया, क्योंकि मुझे इस बुढ़िया के घर में हर प्रकार की मिल गई पर सेफ की नहीं मिली, तो उस नारियल में सेफ की है। अब यहाँ पे मैं थोड़े नशे करता हूँ, पहले एक बार ऊपर जाता हूँ, फिर समझ नहीं आता, फिर वापस नीचे जाता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि कभी कभी मैं कौन से प्रकार के नशे करता हूँ, कौन से गत्ते फूक के मैंने ये काम करा, मुझे यही समझ नहीं आया। और अब मैं ये बुढ़िया को चकमा देते देते ऊपर आया और यहाँ पे मरते मरते बचा था उस बुढ़िया के ट्रैप से, सारा जगह चूहेदानी छोड़ जाती है खुली हुई जिससे कि मुझे पकड़ सके बेवकूफ कहीं की। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे भी पता, वो चूहेदानी नहीं है, वो ट्रैप है उसका, पर मुझे उसे चूहेदानी बोलने में ज़्यादा मज़े आते हैं। ये भाई फनी लगता है यार, और गेम प्ले जितना फनी होगा उतने ही व्यूज आएंगे, और व्यूज आने पे पैसा ही पैसा होगा। अब यहाँ पे मुझे बुढ़े की मनुष्य शक्ल दिख जाती है और मैं फटाफट छुपते छुपाते यहाँ पे आ जाता हूँ और इस शॉटगन से शोर मचाता हूँ उस साइड पे और नारियल को लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ से मेरा मेन काम होगा कि इस बुढ़े बुढ़िया से बचते बचाते किसी तरीके से मैं नारियल के अंदर का माल पानी निकाल लूँ, और वो मैं शायद से कर भी लूँगा, शायद से क्या 101% ही कर लूँगा यार। अब तुम यहाँ पे मेरा क्लच देखोगे, तुम देखोगे मैंने उस बुढ़े और बुढ़िया को कैसे बेवकूफ़ बनाया। दोनों नीचे गए और दोनों की आंखों के सामने से मैं नारियल लेके भागा हूँ, और अब जैसे मैंने तुम्हें बोला था नारियल में सेफ की होगी, और देखो सेफ की ही निकली। अब यहाँ पे मैं उस बुढ़िया को चकमा देकर यहाँ पे शोर मचा के सेकंड फ्लोर पे सेफ खोल दूँ, और उस सेफ में क्या होता है, जनरेटर केबल, और उस जनरेटर केबल वो हमारी आखिरी चीज़ है जिससे हम बुढ़िया के घर से एस्केप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस जनरेटर केबल के अंदर हैरी पॉटर की आत्मा आ गई थी, पता नहीं कहाँ जाके गिरी बेवकूफ़ कहीं की। पहले पहली बार तो मैं डर गया था कि जनरेटर केबल कहीं गायब तो नहीं, कहीं ग्लिच तो नहीं होगी, और इस जनरेटर के केबल से पूरा गेम प्ले ख़राब हो जाता, पर ये मुझे मिल ही गई आखिरकार। अब यहाँ पे इस जनरेटर को चालू करने के बाद मैं जाता हूँ थर्ड फ्लोर पे और डोर को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे डोर को ओपन करने से पहले मैं बच जाता हूँ और वो बुढ़िया देख लेती है मुझे, मेरे काम डाल देती है बेफालतू में। ये डोर ओपन और यहाँ से मैं शॉर्टकट तरीके से ऊपर नीचे जाऊँगा, 1 2 यहाँ यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे इस बुढ़िया के घर से मैं ऐसे बाहर निकलूँगा, वो देख देख देखेगी पर मुझे कुछ कर नहीं पाएगी। ये देखो 1 2 3, और ये यहाँ पे हमने कर लिया ग्रैनी का डोर एस्केप। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।